हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। गाइज, अभी बजे सुबह के 7:30 और मैं पी रहा हूँ घर में मस्त बैठ के चाय। तो गाइज, हाँ, पिछले कई दिनों से जो है गांव का मौसम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना हुआ है। बाकी मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कितनी मस्त छाया है और इट साइड जो है काफ़ी ज़्यादा धूप है। तो मतलब कई दिनों से जो है गांव का मौसम कुछ ऐसा बना हुआ है कि सुबह और शाम काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, बाकी दिन में तो इतनी प्यारी प्यारी धूप आ रखी है। तो गाइज, हाँ, और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 बजे से। तो गाइस, पिछले कई दिनों से जो है आप मेरे चैनल पे रामलला से रिलेटिव वीडियो देख रहे होंगे। बाकी ये वीडियो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल उन लोगों के लिए हैं जो कि मतलब हमारे गांव से दूर हैं, जैसे कि जो भी लोग शहरों में हैं, मतलब किसी भी कारण से रामलला नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने इस चैनल के माध्यम से उन लोगों को वीडियो दिखा सकूँ। बाकी आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी धूप आ गई है। तो गाइस, हाँ, अभी देखते हैं क्या सीन होता है, तब तक मैं चाय के मस्त आनंद लेता हूँ। कौन है गाइस, गांव में ये मस्त चाय पीने का आनंद ही कुछ अलग है यार। बाकी ये मस्त धूप, हाय हाय। बाकी ये हमारा छोटा सा नन्ना सा भाई, ए जूतों के साथ मत खेलो बड़े वाले दादाजी। अरे ये मेरे अपने दादाजी, हाँ ये भी अपने ही दादाजी हैं। दादा परसों आए मुंबई से घर, है ना दादा? दादा कब आए हो मुंबई से घर? काफी फर्राटेदार है दादा, एकदम हेल्थी। मतलब हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये मेरे बड़े वाले दादा हैं, मतलब दोनों भाई हैं आपस में, है ना? तो गाइस, दिखा सकता तू? हाँ अभी दिखाता हूँ। दादी भी आती हुई दैत को कुछ जतूंगा। तो गाइस, हाँ, एक और बढ़िया न्यूज भी है। हमारे गांव में रामलला ख़त्म होने के तुरंत बाद काफ़ी ज़्यादा शादियां हैं, मतलब हमारे इर्द गिर्द मेरी दीदी जी की हैं, इस साइड हमारे कीर्ति भैया की है। तो दोस्तों, हाँ, फाइनली उनके घर में डेंटिंग पेंटिंग भी हो गई है, मतलब शादी की तैयारियां होना शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों, हाँ, आई होप कि आपको ये नवंबर का महीना जो है व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, शादियों से लेकर रामलला से रिलेटिव। और हम अलग अलग गाँव भी एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ की जो है वहाँ की कल्चर बताने की भी पूरी ट्राई करेंगे। तो गाइस, हाँ, मतलब नवंबर का महीना एकदम सही से जाने वाला है। तो दोस्तों, ऐसी नई नई वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। अगर आपको भी नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों, हाँ, अभी चलते हैं नीचे और बाकी जो भी एक्टिविटी वो करते हैं, तब तक के लिए बाय। ये है होम मेड स्कोस की सब्जी और सच बताओ ना गाइस, ये खाने में जो है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। मतलब ये जो है पेड़ों पर लगते हैं, उसके बाद निकालते हैं, और इसकी सब्जी जो है मतलब जो होता है ना कद्दूकस करके, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो अभी तो मैं इसी, घर आओ ना तो ऐसे अपनी घर में उगाई हुई सब्जी खाने का मज़ा ही कुछ लगेगा। इस फर्स्ट क्लास स्कोच की सब्जी तो दोस्तों, ये देखो, घर आता हूँ मैं और मेरी मम्मी मुझे ऐसे कामों पे लगा देती है। और ये देखो, ये इसे वैसे हिंदी में कहते हैं भीमल और गढ़वाली में इसको भीमल कहते हैं। तो अभी हम इसको ले जाएंगे अपनी साली, मतलब गौशाला, और हम गढ़वाली में गौशालों को कहते हैं अपनी साली। तो इस भीमल को ले जाता अभी अपने साली में अपने भैंस के लिए। बाकी भारी तो बहुत है और हमें दिखा लग की लेको स्कूल के लेने गए रहे आज स्कूल है। दोस्तों, रामलला की वजह से लक्की स्कूल भी नहीं गया। चलो, लक्की भर रहा पानी और हम ले जाते हैं भील को अभी अपने साली में। स्वीटी ले ले ले, ये बाप रे, मन भी होना रही था। बाकी गढ़वाल में अपने पशु को काफ़ी प्यार से रखा जाता है और ये अभी इसके लिए चारा
तो जैसे हमारा खाना दाल भात, उसका ब्रेक ये इसका लंच ही है भ्योल, तभी तो हमारी भैंस दूध देगी। तो बाकी अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं, हमारी स्वीटी करेगी विश्राम, हम चलते हैं घर। चलो भाई नकुंड ले लो। सो गाइज अभी बजे हैं दिन के 2, और ये देखो गाइज पहाड़ी खाना डिलीशियस, दाल भात और फर्स्ट क्लास दही। अभी खाते हैं खाना, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, बाय। फर गया ऑल, हेलो कर बोल, हेलो हेलो कर बोल, हेलो गाइस बोल ना। तो फाइनली गाइस अभी बजे शाम के 5:30 और हम आ रखे हैं रोड पे घूमने। तो गाइस अभी हम आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, ये देखो दोस्तों ये जो भी खेत है ना, ये है हमारे लेनी के पुंगड़े, तो इस जगह का नाम है लेनी। अभी हम जा रहे हैं उदयान गाँव किसी काम से, क्योंकि आज रामलीला में जो है ना सीता माता जी की शादी है, तो उसी से रिलेटेड हम जा रहे हैं सीता माता की डोली लेने, जिसमें कि सीता माता जी बैठेंगे। तो भाई साहब और सर बताऊँ मैं, ये हमारे पूरे जाखल वालों का स्पॉट था पहले, जब हम रनिंग करने आते थे या घूमने आते थे तो सारे दोस्त लोग इसी रोड पर आते थे, मतलब पुरानी यादें ताज़े हो रही है। बाकी व्यू देखो गाइस आप कितना औसम है, अपना मयाली धूप जा चुकी है। बाकी अभी शिवम और मैं और सैंडी महेश जा रहे हैं डोली लेने, तो अभी चलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और अभी गाइस हम आ रहे हैं उदयान गाँव फॉर 2 लाख के लिए, है ना, तो अभी चलते हैं। बाकी उदयान गाँव में जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड है भाई। चलो बाकी इधर माल्टे के पेड़ बहुत सारे हैं, किसी दिन आएंगे रोड में बैठे, रोड में बैठे हम जा खलावा। हाँ ये देखो गाइस पैतृक घर पुराने टाइम का, बस हाँ। तो गाइस ये देखो अभी हम सीधे डोली के लिए जाखाल से उदयान गाँव आ रखे हैं, तो देखो लकी में कितनी ज़्यादा राम भक्ति है। तो गाइस अभी ले जाते हैं डोला घर पीछे बैठे घर में पीछे से। ये देखो 1 रुपए का 1 और 20 रुपए का 20, आज की पार्टी हाँ तेरी तरफ। तो गाइज अभी हम खाते